नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं रोहित शर्मा आप सभी के साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं 100.01 की कुछ गलतियां बताना चाहूंगा जिनकी वजह से वो कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा और इतना पीछे रह चुका है उसके बारे में भी बताऊंगा। आपको भी पता होगा 100.01 नया एप्लीकेशन नहीं है, 100.01 बहुत पुराना है, लेकिन सबसे पीछे रह चुका है। किस वजह से मैं वो बताता हूँ आपको। देखो ग्लो रोड एप्लीकेशन है और ग्लो रोड की अगर मैं डाउनलोड की बात करूं तो 5 मिलियन लोग यूज करते हैं ग्लो रोड को, और अगर इसी जगह 100.01 की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 1 मिलियन लोग यूज कर रहे हैं। ग्लो रोड के 5 मिलियन है, और इसी जगह अगर हम मीशो की भी बात करें, जो मीशो रीसेलिंग एप्लीकेशन है उसकी बात करें तो उसके डाउनलोड है 10 मिलियन। मतलब मीशो के 10 मिलियन और 100.01 के 1 मिलियन और ग्लो रोड के 5 मिलियन, ये तीनों कंपनी एक साथ कंपटीशन में आई थी, ना कोई पुरानी। ये तीन कंपनी नहीं थी, आपको बताऊं ये 4 कंपनी थे। एक बूपलर नाम की कंपनी और थी रीसेलिंग में, बूपलर, 100.01, ग्लो रोड, मीशो। तो ये कंपनियां थी, चारों कंपनी कंपटीशन में चल रही थी। लेकिन ऐसी क्या गलतियां कर दी 100.01 में कि वो 1 मिलियन पे ही रह गया, बाकी की कंपनी 5 मिलियन 10 मिलियन क्रॉस कर गई और लगातार आगे बढ़ती भी जा रही है। तो बहुत सारे रीजन रहे हैं, उनकी बात करूंगा, और अगर कंपनी नहीं इनको सुधारती तो कंपनी डूब जाएगी, ये बात की मैं पक्की गारंटी दे रहा हूं। आप कहोगे कि ये वीडियो आप ऐसे क्यों बना रहे हो, आप डायरेक्ट कंपनी से क्यों नहीं कह देते। कंपनी डायरेक्ट सुनती नहीं है, मैं ऐसे बताऊंगा, कंपनी मेरी वीडियो देखती है, और आपको बता दूं कि सभी कंपनियां मेरी वीडियो देखती हैं, मीशो भी देखती है, हाईवॉस भी देखती हैं, क्लब फैक्ट्री वाले सभी लोग देखते हैं इन वीडियो को, जो रीसेलिंग के फील्ड में हैं वो सभी कंपनियां मेरी वीडियो को देखती हैं। तो आप लोग जो भी कमेंट करोगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन, वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में, तो इन कंपनियों के पास फीडबैक जाता है, मेरे पर मैसेज भी आते हैं, इन कंपनियों के कॉल भी आते हैं। अगर मैं किसी कंपनी के खिलाफ नेगेटिव वीडियो बना देता हूँ ना, तुरंत मेरे को कॉल आना स्टार्ट हो जाता है, रोहित भाई यार भाई ये वीडियो में ऐसे क्यों बोला आपने, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अब मैं रियलिटी बता रहा हूँ, 100.01 बढ़िया एप्लीकेशन है, और लेकिन क्या इशू रहे कि वो इतना डाउन चला गया, अगर वो सुधारेगा नहीं तो फिर से और डाउन जाएगा। देखो 100.01 को देख लो, ग्लो रोड को देख लो, चाहे मीशो को देख लो, प्रोडक्ट एक ही है, क्योंकि सप्लायर एक है यार। मैं हूँ, मैं एक सप्लायर हूँ, मैं ही मीशो पे सेल कर रहा हूँ, मैं ही 100.01 पे कर रहा हूँ, मैं ही ग्लो रोड पे, मैं ही फ्लिपकार्ट पे, मैं ही अमेजोन पे, मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ अगर ई कॉमर्स का, तो मैं सभी को कवर करूंगा, क्यों केवल मीशो पे ही सेल करूँ, बाकी वेबसाइट पे क्यों ना सेल करूँ, जब GST लेके रखा है तो सेल बढ़ाने के लिए मैं सारे प्लेटफॉर्म पे सेल करूंगा। तो सभी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो सप्लायर जब एक है, प्रोडक्ट की प्राइस में 20-21 का अंतर होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, फिर कैसे ये एप्लीकेशन इतना डाउन चला गया, ऐसी क्या इसकी गलतियां थी जिनकी वजह से इतना डाउन चला गया, क्या चीजें ये भूल रहा है, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले ब्रांडिंग, इसने अपनी इतनी ब्रांडिंग दी है, ये हमारे एक सब डोमेन का तो सुविधा देता है कि हम आपको सब डोमेन दे रहे हैं, पर वो सब डोमेन किस काम का, वो डोमेन तुम देते हो ना हमारी वेबसाइट बना के, जो 100.01 देता है, किस काम का वो डोमेन, उसमें अपनी मार्किंग पूरी लगा के रखते हो, जगह जगह पे आपने 100.01 ठोक के रखा है। दूसरा, आप कस्टम डोमेन दे रहे हो, उसमें आप नाम क्या यूज कर रहे हो अपना, 100.01.com/, और फिर हमारी शॉप का नाम दे देते हो। एक बात बताओ, अगर हमें आपका ही बिजनेस प्रमोट करना है तो हम रीसेलिंग क्यों करेंगे। एक बात, इनके दिमाग में ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रही कि बाकी की रीसेलिंग कंपनियां क्या कर रही हैं और हम कितने चूतिया वाले काम कर रहे हैं। उन्हें सुधारें, पर सुधार नहीं रहे हैं इतने दिनों से, इनकी सेल भी इतनी ज्यादा नहीं हो रही, आपको बताऊंगी इनकी कमियों की वजह से। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोडक्ट खराब है, मैं ये नहीं कह रहा इनकी क्वालिटी खराब है, मैं ये नहीं कह रहा इनकी सर्विस खराब है, इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, कस्टमर सपोर्ट टीम बहुत अच्छी है, लाइव चैट का ऑप्शन है, ईमेल का ऑप्शन है, कस्टमर सर्विस एक नंबर है, मीशो के जैसी कस्टमर सर्विस है इनकी, लेकिन गलतियां हैं इनकी। और अगली चीज, आज के टाइम पे कोई भी जो रीसेलिंग कंपनी है वो इतना चार्ज नहीं कर रही जो शिपिंग चार्ज ये लेती है। सबसे बड़ी बुरी चीज क्या होती है, ये स्टार्टिंग में कुछ और प्राइस दिखाते हैं, लेकिन जब फाइनल ऑर्डर करती हैं, जब ये शिपिंग चार्ज लगा देती हैं, उसमें शिपिंग चार्ज लास्ट में ऐड कर देते हैं, पूरी प्राइस चेंज हो जाती है। पहले दिखा रहे हैं 200 रुपए का प्रोडक्ट, जब ऑर्डर कर रहे हैं 270 का साला दिख रहा है वहां पे। कस्टमर अपने प्रॉफिट में ऐसे कम करना पड़ता है कस्टमर को, वो क्या करे। दूसरी चीज, इनकी मार्किंग इतनी ज्यादा रहती है, ग्लो रोड को देख लो, ग्लो रोड भी तो हमें एक सब डोमेन देके ई कॉमर्स वेबसाइट देता है हमें,
तो वो तो कभी mysoft.slash हमारा नाम आएगा। और एक चीज और है कि जैसे ग्लोरोड हमें mysoft वाला देता है ना, तो जैसे mysoft पे हमारे लिंक से कभी कोई चला गया, उसने देखा, उसे याद रह गया केवल mysoft, तो अगर वो अपने मोबाइल में कभी भी mysoft खोलेगा ना, तो सबसे पहले आपकी वेबसाइट जो गूगल आपकी उस पे बनी है ग्लोरोड पर, वो वेबसाइट खुल के आएगी, आपकी वेबसाइट उसके सामने खुल के आएगी, भले वो माई प्राइम शॉप खोले। तो ये चीज होती है, इससे आप लोगों के अंदर भरोसा जगता है। लेकिन शॉप 101 भाई ऐसा नहीं कर रहा, इसलिए इतना पीछे। और दूसरी चीज, इनसे अगर बात करो ना कॉल करके, मैंने बहुत बार देखी है, इनके कस्टमर सपोर्ट टीम से फोन किया, तो इनके कस्टमर सपोर्ट टीम को मैंने बोला कि आप एक कस्टम डोमेन देते हो, उसका चार्ज लेते हो 7,000 रुपए, कस्टम डोमेन का 7,000 रुपए चार्ज। भाई साहब तुम कौन सा गांजा पीती हो ये पहले तो ये बताओ मेरे को। डोमेन आजकल 400, 500, 600, 700, 800 रुपए का एक साल का मिलता है, आप 7-8 हजार रुपए किस चीज के ले रहे हो? 8,000 रुपए आप ले रहे हो डोमेन का? हाँ दे भाई, 2,500 रुपए में हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दे देते हैं लोगों को, अब 2,500 रुपए की जगह 8,000 रुपए चार्ज कर रहे हो, वो भी एक साल का। एक बात बताओ कि खुद से सोचे शॉप 101 कि 8,000 रुपए का हम कस्टमर को एक साल का चार्ज ले रहे हैं, क्या कस्टमर उससे इतना कमा पाएगा आपकी वेबसाइट के थ्रू? कभी नहीं भाई, नहीं हो सकता, ऐसा हर कोई जानता है आजकल। ये सारी चीजें आपके को प्रमोट करे, अगर शॉप 101 जो शब्दों में उसके लिंक को प्रमोट करे, तो सभी को पता ही चल जाएगा कि भाई शॉप 101 का लिया हुआ है, तो बताओ क्या करे। अगली चीज, अगला जो आपके एप्लीकेशन में इशू आता है वो बंद हो जाता है, चल रहा है एक साथ बंद हो गया, वो फैक्ट्री सी आ जाती है धुएं निकलते हुए आपके एप्लीकेशन में। कस्टमर मेरे को 2-4 कस्टमर डेली कमेंट करते हैं कि रोहित भाई यार ये शॉप 101 ओपन होता है, ओपन होने के बाद इसके धुएं से उड़ जाते हैं, फैक्ट्री सी में से धुएं निकलने लगते हैं। एक बात बताओ, जब आपकी एप्लीकेशन ही ठीक नहीं होगी तो उसे यूज कौन करेगा? जब एप्लीकेशन ही आपकी बेटर नहीं है, कोई भी यूज नहीं करेगा ऐसे, क्योंकि दूसरे लोगों पर चॉइस है, या तो मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई नहीं हो पा रही हो, तो वो चीज चल जाती है। लेकिन शॉप 101 ये बात समझ नहीं रहा कि रीसेलिंग की जितनी डिमांड नहीं है उससे ज्यादा सप्लाई है, इतने सारे एप्लीकेशन है, इतनी सारी सर्विस है। शॉप 101 है, चलो मानता हूँ आप बिजनेस कर रहे हो, लेकिन उसे इम्प्रूवमेंट करो। देखो बिजनेस को बढ़ाओ मत, मैं नहीं कहता आप प्रमोशन पे फोकस करो, आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको इम्प्रूव करो, आप ऐसा कुछ प्लान लाओ जिससे कि आप अपने बॉटम मार्क को हटाओ, जो आप सब डोमेन में दे रहे हो, सब डोमेन में आप 101 क्यों लिख रहे हो, उसकी जगह कोई ऐसा नाम दो जो यूनिक हो, जैसे माई शॉप माई प्राइम शॉप डॉट उन्होंने दिया है ग्लोरोड वालों ने, ऐसा कोई नाम दो ना। अब 101 आपने दे दिया और फिर आप वेबसाइट पे अपना लोगो भी लगा रहे हो, अपने एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक भी दे रहे हो, तो रीसेलर क्या चूतिया थोड़े हैं जो तुम्हारी चीजों को डाउनलोड करेगा, तुम्हारा प्रमोशन करवाएगा, कोई बेवकूफ तो है नहीं। अगली चीज, इन्होंने एक चीज सुधार ली, वो मेरे को अच्छी लगी, कि ये क्या करते थे, रेफरेंडम प्रोग्राम चलाते थे भाई साहब, और उसमें रेफर कोड देते थे कि रेफर कोड एंटर करो जब ही रेफरेंडम होगा। कौन करेगा भाई तुम्हारा प्रमोशन, कौन तुम्हारा रेफरेंडर सिस्टम को फॉलो करेगा, कौन? एक बात बताओ, आज के जमाने में कौन सा ऐसा बंदा है जिसे अगर ये पता चल जाए कि ये बंदा सामने वाला मेरे को लिंक दे रहा है किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद, और इसका रेफर कोड डालूंगा तो इसको मेरी अर्निंग के थ्रू कमीशन मिलेगा, तो ऐसा कौन सा बेवकूफ होगा जो हमारा रेफर लिंक एंटर करे? कोई भी नहीं है, सभी ये सोचते हैं कि अपने फ्रेंड या फैमिली के मोबाइल में डाउनलोड करूं, उससे अब खुद को रेफर करूं, उसका रेफर कोड डालूं और फिर इस वाले फोन से मैं रीसेलिंग करूं, क्योंकि मेरी जो अर्निंग वो मेरे दूसरे फोन में जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें जाती रहे, रेफर अर्निंग भी। तो ये सभी जानते हैं, तो 101 जब तक इन्हें सुधारेगा नहीं, जब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा आपका। आप सोच रहे हो ना 1 मिलियन, प्रमोशन को छोड़ो, अपनी सर्विस पर फोकस करो, अपने एप्लीकेशन को सुधारो जो बार बार बंद हो जाता है, दूसरा अपने जो वाटरमार्क देती हो उसको हटाओ, तीसरा कस्टम डोमेन 8,000 में दे रहे हो, 1,500 रुपए में आराम से मिल रहा है गोडैडी पर, मैं ये कह रहा हूँ 2,000 रुपए साल का चार्ज कर लिया करो, बहुत अच्छा रहेगा, लोगों को भी फायदा होगा। आप कस्टम डोमेन का चार्ज क्यों सोच रहे हो? आप एक बात बताओ, सप्लायर से 20% चार्ज लेते हो आप, 20% चार्ज ले रहे हो, तो उसमें से मैनेज कर लो ना अपने, इसका कस्टमर को दे दो फ्री डोमेन,
जिससे वो सेल इंक्रीज करेगा। अगर उसे फ्री डोमेन मिल जाएगा ना, खुद की वेबसाइट बन के मिल जाएगी, तो वो आपकी सेल को इंक्रीज करेगा, उससे आपको ही फायदा होगा, ना कि कस्टमर को। कस्टमर को भी होगा, जो आपका रीसेलर है उसको भी फायदा होगा, पर आपको ज्यादा फायदा होगा। इस चीज को समझो, बिजनेस करना सीखो यार। तो बस यही कहना चाहूंगा कि आप सुधारो, आपकी जो राय हो आप कमेंट करके बताना। और वैसे जितने ट्रस्टेड एप्लीकेशन है जिनसे भरोसा किया जा सकता है, उन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। शॉप 101 को मेरे को बदनाम करने का कोई भी हक नहीं है, ना मैं बदनाम कर रहा हूं, बस कुछ गलतियां बता रहा हूं, उनको इम्प्रूवमेंट कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। शॉप 101 के बारे में लगातार बताता रहा हूं, पहले भी और अब भी आगे भी बताऊंगा उसके बारे में। कोई अपडेट आती है लगातार मैं अपडेट देता हूं शॉप 101 की। तो बस इम्प्रूवमेंट करना जरूरी है, और आगे करोगे अच्छा बताऊंगा, बुरा करोगे बुरा बताऊंगा, वीडियो में क्लियर बोलूंगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को कमेंट बॉक्स में खाली पड़ा यार, कमेंट करो, 101 वाले पढ़ें कि क्या चीजें इम्प्रूवमेंट करनी है। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।